हे भगवान, सियासत कितनी बेशर्म और बेहया हो चली है, इसका अंदाजा आपको कुछ पलों में ही लग जाएगा। लेकिन उससे पहले राजधानी जयपुर के कोरोना समर्पित अस्पताल RUHS के संक्रमित होते सिस्टम का हाल जान लीजिए। हो सकता है बेशर्म सियासतदानों का कलेजा इन तस्वीरों को देखकर भी ना कांपे, लेकिन वो कौन सी आंखें होंगी इस बुजुर्ग माँ बाप की चीख पर ना रोएंगी। RUHS अस्पताल के बाहर दहाड़े मारकर रो रही माँ अपने 30 वर्षीय बेटे को कोरोना संक्रमण का इलाज कराने राजधानी जयपुर लाई थी, RUHS में भर्ती करवाया था। लेकिन कोरोना से पहले ही RUHS अस्पताल में फैले लापरवाही के संक्रमण ने इनके बेटे को निगल लिया। 30 बरस के बेटे को खोने के बाद लाचार माँ बाप ने उठाई गठरी और चल दिए फिर गांव की ओर इस लाचार सिस्टम से दो चार होकर। लेकिन सवाल ये है कि संक्रमित होते सिस्टम और भेंट चढ़ती जानों का हिसाब कौन करेगा साहेब? क्या कीमत सिर्फ सफेद पोशों की जान बस का है? गौरतलब है कि पिछले 24 घंटे से राजधानी जयपुर का RUHS अस्पताल सुर्खियों में है और इसके पीछे की वजह है यहां के सिस्टम में फैला संक्रमण और हुई घोर लापरवाही। दरअसल खबर है कि बुधवार रात 2 बजे से 3:30 बजे तक अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई ही रुक गई और 1.5 घंटे की सप्लाई रुकने से 6 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। कायदे से ये मौत नहीं, हत्या है हत्या। शर्म की बात तो ये है कि राजधानी के जिस अस्पताल को कोरोना समर्पित अस्पताल बनाया गया, जब उसके ही ऐसे हालात हैं तो अन्य अस्पतालों में क्या होता होगा। खैर, अस्पताल प्रशासन ने अपने लापरवाही पर पर्दा डालने की भरपूर कोशिशें की, लेकिन सत्य भला कहां छिपने वाला था। सबसे पहले सुनिए अस्पताल प्रशासन का सफेद झूठ। किसी चैनल के माध्यम से जानकारी मिली कि जयपुर के कोविड सेंटर RUHS हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई से 8 मरीजों की डेथ हो गई। ये खबर बिल्कुल बेबुनियाद है। हमारे यहाँ पर पूरी तरह से ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई की व्यवस्था की गई है। अभी रिसेंटली जो है हम और नए आईसीयू की जो शुरुआत करने जा रहे हैं, उनका पूरी तरह से ऑक्सीजन सप्लाई सुचारू रूप से मेंटेन है। हर स्तर पर प्रेशर की मॉनिटरिंग की जा रही है और ऑक्सीजन लिक्विड प्लांट की भी जल्दी से जल्दी हम शुरुआत करेंगे। तो इस खबर का मैं एक सिरे से खंडन करता हूँ। इस तरह की कोई घटना RUHS अस्पताल में नहीं हुई। जब कोरोना से ज्यादा लापरवाही का संक्रमण फैल चुका हो तो भला कहां तक बात छिपने वाली थी। खैर, दैनिक भास्कर अखबार ने इस मामलात की खाक छानी और नतीजा क्या निकला वो सबके सामने है। पीड़ित परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि अस्पताल वाले व्यवस्था सुधारने की जगह हमें धमका रहे थे। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इतने प्रमाण होने के बावजूद अस्पताल प्रशासन अपनी लापरवाही और नाकामी पर झूठ का पर्दा डाल रहा है। सूबे के निजाम देखिए लापरवाही का नॉन स्टॉप तांडव। ये तस्वीर भी RUHS की ही है, जहां डेड बॉडी बेड पर ही पड़ी हुई है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि गहलोत सरकार के स्टंटबाज मंत्री सिस्टम के संक्रमण का भेंट चढ़ी मौतों का हिसाब कब देंगे। क्योंकि आपने देखा होगा, जब चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा खुद कोरोना पॉजिटिव हुए थे तो RUHS में ही भर्ती थे। उस दौरान उन्होंने अस्पताल में दौरा करने का प्रपंच रचा, कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई और वहां के प्रशासन ने मंत्री महोदय से कहा कि सब ऑल इज वेल है, आप चिंता ना करें, यहां के लोगों को तो हम निपटा ही लेंगे। कुल मिलाकर सूबे की आवाम के लिए संदेश और सार्वजनिक सूचना है कि जब राजधानी जयपुर के ख्याति प्राप्त अस्पताल में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसे हालात हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालात होंगे।
खैर दी फैक्ट इंडिया प्रदेश का जिम्मेदार चैनल होने के नाते आप सभी से अपील करता है कि जहां भी सिस्टम संक्रमित लगे उसका विरोध करिए और कोशिश करिए सिस्टम के संक्रमण को सबके सामने लाने की, क्योंकि कोरोना संक्रमण से भी ज्यादा खतरनाक संक्रमित सिस्टम है। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।